ओल्ड एज और जोड़ों का दर्द। बहुत सारे मेरे पेशेंट हैं, जाहिर है 50+ 60+ एज है, जोड़ों की दर्द में मुबतला है, ट्रीटमेंट भी कर लेते हैं और लेकिन कॉमन कंप्लेन करते हैं डॉक्टर साहब। जाहिर सी बात है उनका लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन बहुत सी की है, ज्यादा देर तक उनको बैठना पड़ता है, कुर्सी पे आमतौर पर वो बैठते हैं, नमाज भी आमतौर पर कुर्सी पे पढ़ते हैं। जब ज्यादा देर तक वो बैठे रहते हैं तो उनके घुटने जो होते हैं इस पोजिशन में जब वो बैठे रहते हैं तो घुटने स्टिफ हो जाते हैं। क्या वो मिस्टेक करते हैं कॉमन कि सडनली जब भी उन्हें कोई काम होता है एकदम से उठ जाते हैं, एकदम से अपनी चेयर से उठ जाते हैं। जैसे ही वो एकदम से अपनी चेयर से उठते हैं तो एकदम से उनको सडन सिवियर पेन होती है दोनों घुटनों के अंदर, क्योंकि घुटने ऑलरेडी स्टिफ हो चुके होते हैं। तो इसके लिए करना क्या चाहिए? मेरा हमेशा सजेशन होता है इन पेशेंट्स के लिए कि थोड़ा सा वो अपने घुटनों को वार्म अप करें। वार्म अप के लिए सबसे पहला क्या चीज है? एंकल पंप। एंकल पंप के लिए कैसे आप करते हैं एंकल पंप, ये देखिए। इसमें आपने क्या करना है, 10 टाइम्स एटलीस्ट अपने एंकल और एंकल के थ्रू आपने ये मूवमेंट करनी है, ताकि आपका पूरा पंप हो, आपके काफ मसल के अंदर ब्लड फ्लो बढ़े। सेकेंड एक्सरसाइज आपकी ये है कि आपने अपना ये जो नी है इसके ऊपर ऐसे ऐसे एक्सरसाइज करनी है। इससे क्या होगा, जो हिप के मसल हैं, हिप के मसल जो होते हैं वो स्टैंडिंग के लिए बड़े जरूरी होते हैं। अगर 10 टाइम्स आप ये रैप करेंगे ये वाला, तो इससे क्या होगा आपके हिप के मसल्स एक्टिवेट हो जाएंगे और वार्म अप हो जाएंगे, ताकि आपके उठने के लिए आसानी हो सके। थर्ड जो इसके लिए आपने पंप करना है वो क्या है, आपने अपने घुटने की एक्सटेंशन करनी है। देखिए, ऐसे स्ट्रेट किया घुटना, फिर ये किया, फिर स्ट्रेट किया, ये किया, इस तरह 10-10 बार ये चीज करने के बाद अब आपके पास ऑप्शन है कि आप आराम से घुटने के अपनी चेयर से उठ सकते हैं। इंशाल्लाह अगर ऐसा आप करेंगे तो आपको जो सिवियर पेन महसूस होता है एकदम चेयर से उठने में, उसमें इंशाल्लाह ताला कमी आ जाएगी।